मर्दाना किनारे ते बैठ गया
और साहेब श्री गुरु नानक देव महाराज जी इशनान करन वास्ते वे नदी दे विच प्रवेश कर गए। मरदाने दे देखद्यां देखद्यां साहेब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने वे नदी दे विच टुब्बी मारी है ते फिर मरदाना निश्चिंत हो गया है कि गुरु पातशाह इशनान दे विच व्यस्त हो गए है और मैं भी इशनान कर लूं। मरदाने ने इशनान किया है आके किनारे ते फिर बैठ गया है और उधर की होया है कि साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने जब टुब्बी लगाई ते उस तो बाद साहेब श्री गुरु नानक देव जी का शरीर और मुख जिहड़ा सी मरदाने नूं दर्शन नहीं होए। मरदाना बैठा रहा कि सच्चे पातशाह इशनान करके जल्दी वापस आ जाएंगे पर साहेब श्री गुरु नानक देव जी हाले वापस नहीं आए। इसे वही नदी के उत्ते साल संगत जी पिछले साल साहेब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव जेड़ा है हिंदुस्तान के सुल्तानपुर के लोगों ने तो मनाया ही मनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने तो मनाया ही मनाया, बल्कि सारे संसार के लोगों ने नानक नाम की कीर्ति का जस गाया। अज असी साहेब श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव जिहड़ा है सारे संसार के लोग क्योंकि पिछले साल के गुरु नानक दे मत की गुरु नानक दे सिद्धांत की गुरु नानक की विचारधारा की इन्नी कीर्ति फैली कि संसार के जड़े लोग सिखा नहीं जानते गुरु नानक नहीं जानते दस पातशाहियां नहीं जानते सुल्तानपुर नहीं जानते उन्होंने ने सुल्तानपुर आके साहब श्री गुरु नानक देव जी के दरबार के सजदे किए। वेई नदी के किनारे उस बेरी के दर्शन किए जिथे साहब श्री गुरु नानक देव जी वाहगुरु नाम सिमरन करया करते बैठ के। सतसंग जी साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने टुब्बी लगाई ते दर्शन होया सचखंड दे विच साहेब श्री गुरु परम पिता परमात्मा का परमात्मा के दर्श दावे किए साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने और गुरु नानक देव जी नूं परम पिता परमात्मा ने उत्थे अमृत नाम की बख्शिश की गुरु प्रसाद के रूप के जिवें गुरु का प्रसाद असी आज इस संसार के अमृत छकन वेले पंज प्यारे को प्राप्त करते हाँ इस तरह ही साहेब श्री गुरु परम पिता परमात्मा ने साहेब श्री गुरु नानक देव जी को अमृत नाम की बख्शिश की और अमृत नाम की बख्शिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख परमात्मा का गुणा का लखारिक जिस दे विच इस परम पिता परमात्मा एक ओंकार के सारे गुण जिहड़े है शामिल है। परम पिता परमात्मा ने उस नाम का अमृत जिहड़ा साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं छकाया गुरप्रसाद के रूप के कहा हे गुरु नानक ये गुरप्रसाद है तेरे वास्ते
इस शकल है। और अगे गुरु साहब ने यह कहा कि जब इस प्रसाद का हे गुरु नानक तू भी जप करना और संसार के विच भी जाके इस नाम का जप करना है। और आज सारा संसार जरा है अधिकतर लोग सिख ही नहीं हिंदू भी मुसलमान भी होर कौमां भी विश्व के अधिकतर लोग जिहड़े है इस नाम की सिमरन करते हैं। वाहगुरु ये गुरु का प्रसाद है उस परम पिता परमात्मा की इस संसार वास्ते एक बख्शिश है प्रसाद है। और जिस प्रसाद को इस रूह ने उस परम पिता परमात्मा की रूह ने छक लिया वह रूह साक्षात उस परम पिता परमात्मा दिया बख्शियां प्राप्त कर लेती है और उस परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन भी करने शुरू हो जाते हैं। और संसार दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी जब आए तो इस संसार के लोगों नू साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह अमृत जिहड़ा सी नाम अमृत जिहड़ा सी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मुक्त यूनिसेफ ए संगतां नू भी छकाया भी जपाया भी। और फिर ये कहा कि सारे संसार के लोगों जो तुसी इस नाम का सिमरन करोगे ना तो ये नाम जिहड़ा है तुहाडे मन नू शुद्ध करके पापां तों रहित कर देगा। तुहाडे मन के अंदर एक पंज चोर वसे हुए हैं इस अमृत नू परमात्मा ने तुहाडे अंदर भी पाया है पर ये पंज चोर जिहड़े है ना उस अमृत नू पी जांदे है इस तो बचन की कोशिश करो। और इस करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने साडे संसार के लोगों एक बख्शिश की दास अपने विचार द्वारा वो दसना चाहता है कि की बख्शिश सी आप भी हो सके तो पिछे बोलियो। पंज दूत तेरे अंदर पंज दूत तेरे अंदर तेरे अंदर पंज दूत तेरे अंदर पंज कबूतर तेरे अंदर पंज कबूतर तेरे अंदर गुटकों कर दे गुटकों कर दे गुटर गुटर कर चोगा मंग दे गुटर गुटर कर चोगा मंग दे पाप कर्म ना डर दे पाप कर्म ना डर दे पल पल चंद्रे देन दुहाई पल पल चंद्रे देन दुहाई पल पल चंद्रे देन दुहाई पोर शर्म ना कर दे पोर शर्म ना कर दे पुरवे करी इलाज इना दा पुरवे करी इलाज इना दा नाम सिमर तू ए हो मर दे नाम सिमर तू ए हो मर दे मन ठार लबंदे मन ठार लबंदे ठार लबंदे इनानू मार लबंदे इनानू मार लबंदे इनानू मार लबंदे इनानू मार लबंदे
मन ठार लबंदे, मन ठार लबंदे, एना नू मार लबंदे, एना नू मार लबंदे, सारे संसार दे लोकां नू सहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने जीवन काल दे विच चार उदासियां करके हिंदुस्तान दे लोकां नू ही नहीं, पंजाब दे लोकां नू नहीं, बल्कि सारे संसार दे नौ खंड पृथ्वी दे लोकां नू ये समझाया कि ये मनुखा हे प्राणी तेरे अंदर जेड़े है ना एक पंच चोर है, तेरा अमृत वो लुटी जाते हैं, जेकर तू उस अमृत को पी लवे तो तू अमर हो सकता है। वाहगुरु वाहगुरु तू अमर हो सकता है, तेरा मरना जिउना जड़ा है वो खत्म हो जाएगा और तू परमात्मा दे घर दे विच आसन लगा के वाहगुरु वाहगुरु नाम सिमरन करता होया परमात्मा के दरसदारे भी कर लेना। ये तेरी अवस्था है जेकर ये पांच चोरां नूं तू मार लवे। सारे संसार के लोगों नूं ये समझाया। हुण साध संगत जी गल ये है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदुस्तान दे विच्चों चल के चार उदासियां जो कीतियां वो वारे वारे नाल उत्तर दिशा विच, पूर्व दिशा विच, दक्षिण दिशा विच ते पश्चिम दिशा विच कीतियां। उत्तर दिशा दे विच हिमालय पर्वत वाले पासे नूं तिब्बत, चीन, भूटान, सिक्किम, लेह लद्दाख इन्हां इलाकियां दे विच, पश्चिम बंगाल ढाका इन्हां इलाकियां दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी विचरदे रहे और संसार दे लोकां नूं अनेकां प्रसंग है कि अपने तरीके नाल समझाया। इधरों अरब देशों वाले जदों गए तो मक्के मदीने नूं फेर के बगदाद, सीरिया, अरब के होर देश, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पिशावर, मुल्तान होंदे हुए फिर हिंदुस्तान दे विच वापस तलवंडी आए। इधरों होर मुल्क जिहड़े है जिन्हां दा असीं जे कहीए तो मिस्र, सीरिया वर्गे भी देश जिहड़े है उन्हां दे विच भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने प्रचार करके अपने सिद्धांत का, उस परमपिता परमात्मा के नाम अमृत का, परमपिता परमात्मा के सच के सिद्धांत का प्रसार किया। तो साध संगत जी एक प्रसंग इन्हां चों लैंदे आ, प्रसंग तो बहुत है, सज्जन ठग नूं उतारिया, कौडे राक्षस नूं उतारिया, नूरा नूर शाह नूं उतारिया आसाम दे विच हिजड़ा सी जिहड़ी। अच्छा उस तो इलावा जे देखा जाए तो किन्ने क नां लगे असीं इधरले पासों, हमजा गौस, बली कंधारी, एक एक त्रिमत रूप धार करके एक गुरमुख प्यारा जिहड़ा अपने आप नूं परमात्मा का प्यारा दसदा सी, उस दा पड़ता खोल के उस नूं सीधे राह लाया। तो इस तरह अनेकां ही जे असी कहीए ते रूहां है जिहड़ियां हौले हौले साडे याद आउंदियां, ते जे गिनती करी जाइए ते बहुत इन्ने प्रसंग है कि असी समझ नहीं सकते कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इन्नी मेहनत करके सिख धर्म नूं जिहड़ा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व दे विच फैलाया, और अज उस दा इह कारण है कि विश्व दे विच सिख धर्म दी इक सन्मान जो स्थिति है। किस तरह किस
बगदाद दे विच मक्के मदीने नूं फेरिया। उस तो बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी मरदाने दे समेत बगदाद दे विच चले गए। बगदाद दे विच चले गए ते उत्थों दे लोकां दे विच जद विचरे, सत्संग कीती, लोकां नूं विचारां कीतियां ते लोकां ने दस्या कि महाराज साढ़े देश का जिहड़ा राजा है ओ बहुत अन्याई है। उसने सारे देश के दे लोगों को जिन्ना भी रुपया से वह खो के अपने खजाने में जमा कर लिया, तो जिस किसी को भी रुपया मिलता है वो खून की कोशिश करता है। एक लालच उसने ये दे रखे है कि मैं अपनी लड़की का विआह उस नाल कराऊंगा। जो सारे पैसे लोगों को खत्म हो गए तो उन्हें लोगों को होर लालच दिता कि जेड़ा मैनू रुपया लिया के देगा उस नूं मैं अपनी लड़की का विआह कर देगा। साध संगत जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं दस रही है कि महाराज इस राजे ने की किया कि जो ये ऐलान किया तो एक लड़का अपनी माता नूं कहन लग्या भी माता तू एक रुपया मैनू कितों भी दे दे, मैं राजे की लड़की नाल विआह करवाउणा है। तेरी माता कृपा कर, तेरी जय जयकार होवे, तू इस संसार दे उत्ते तेरा नाम हो जावे, मैनू एक रुपया दे दे, मैं राजे की लड़की नाल विआह जरूर करूंगा। हुण माता कहन लगी बेटा भी अपने देश के दे बादशाह ने रुपये तो सारे लोगों तो खो ले, रुपया तो किसी को दिया नहींगा, हुण मैं तेनू कित्थों रुपया नहीं माता किवें भी कर मैनू रुपया लिया के दे, मैं राजे की लड़की नाल विआह करवाउणा। की होया कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी ये विचारां लोकां दीआं सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कि उस लड़के ने जब जिद की तो माता ने कहा बेटा भी जे तू ज़्यादा जिद करदा तो एक रस्ता मैं तैनू दस दिंदी हां। कहिंदे भी की? कहिंदे भी जो तेरा बाबा मरिया सी उदों ये रिवाज सी कबरां दे विच जदों दफनाया जांदा सी मुर्दे नूं ते उहदे मूँह दे विच एक रुपया चांदी दा या सवा रुपया चांद मतलब रख के ते फिर दफन कीता जांदा सी। ओह माता कहन लगी भी तेरे बाबे दे आपां एक रुपया चांदी दा पाया सी, तू ओ कबर खोद लै जाके ते उत्थों तैनूं एक रुपया लभ जाएगा। हुण लड़के ने कबर खोदी तो वास्तव में रुपया रख्या होया सी उन्हूं मिल गया और फटाफट राजे कोल पहुंचिया। लै वे राजन एक रुपया आ लै चांदी दा ते तेरी लड़की दा विआह मेरे नाल कर दे। हुण राजे ने लड़की दा विआह तां की करना सीगा, उस बच्चे नूं पकड़ के जेल के अंदर कर दिता और उन्होंने इन्ने तसीहे दिते भी तू ये दस भी रुपया कितों आया, जब मैं रुपये सारे खोले से लोगों को तेरे को कितों आया। इन्ना तशद्दुद महाराज राजा कारूं बादशाह उसका नाम से तकरीबन उसने 40 गंज रुपया जिहड़ा सी उस समय के जोड़ रखा सी, अरब खरब तो टप के 20 गंजा की गिनती आती है। तो वह बच्चा जिहड़ा सी वह कहन लगा देखो जी रुपया तो साडे कोल है नहीं सी पर मेरी माता ने मैनू दस्या भी तेरे बाबे की कबर के एक रुपया पिया रखा, वह कढ लिया, मैं कबर खोद के अच्छा कबरां चो कढ के लिया। राजे ने फौरन हुक्म दे दिता कि कबरां जिन्नियां भी है वह सारिया पट लो और पट के उन्होंने जिन्हें भी रुपये इकट्ठे होंगे वह लिया के मेरे खजाने जमा कराओ। और कर्मचारियों ने राजे के कर्मचारियों ने कबरां पट्टियां सारे देश के विचों कबरां पट के जिन्हें भी रुपये इकट्ठे हुए सारे लिया के खजाने के जमा कर दिते। अज वो बादशाह 40 गंज रुपया चांदी का जड़ा है वह इकट्ठा कर चुका है उसके खजाने के ते सच्चे पातशाह कृपा करो जे तुसी संसार का दुख हरन वास्ते आए हो तो साडा भी कलेष कट दिओ, सानू इस राजे ने बहुत दुखी किया है। अच्छा ठीक है, गुरु साहब ने जदों
संगत की फरियाद सुनी तो फरियाद सुनी तो दूजे दिन मरदाने कह लगे मरदानिया भी आ चल के आप थोड़ा कम चल हूँ साहब श्री गुरु नानक देव जी मरदाने लैके राजे के महल वाल तुर पे है और देखा है कि राजा किस तरह की दिनचर्या करता है। दो दिन तीन दिन राजे की दिनचर्या साहब श्री गुरु नानक देव जी ने वेखी तो वेख्या कि राजा सब तो पहला अपने महल के विचों निकलता है और वो अपने इष्ट के दर्शन करने वास्ते जाता है, फिर उस तो बाद शिकार नूं जाता है। इस तरह की मतलब जो गुरु नानक देव जी को विश्वास हो गया तो मरदाने नूं कहन लगे भी मरदानिया भी लै भाई हुण राजे की सवारी आने वाली है। तो राजे दे बगदाद का जिहड़ा महल सी ना उस दे अगले पासे बहुत जिवें साडे लाल किले दे अगले पासे बहुत वड्डा आसे पासे सारे पासे थां छड्या होया, इस तरह बहुत वड्डा मैदान सी। हुण उस मैदान दे विच गुरु नानक देव जी कहन लगे भी मरदानिया आ जिहड़े चीकने रोड है ना ये जदों राजे की सवारी आवे अपने थोड़ी जी नेड़े हो जाए तो उदों ये रोड सारे कट्ठे करने शुरू कर देने और इस तरह करने हैं भज भज के जिवें किसी चीज़ में चप्पा मार के मतलब फटाफट ले लेता है, इस तरह करके रोड कट्ठे कर देने हैं। और साहब श्री गुरु नानक देव जी भी इस तरह कर लगे भज भज के रोड कट्ठे कर लग गए। जदों भज भज के रोड कट्ठे कर लगे तो बादशाह ने देखा कि ये परदेसी लोग है, साढ़े देश के लोग तो है नहीं पर करते की है, सवारी नेड़े आ गई एहलकार क्या उन्होंने पकड़ के लिया की करते साहब श्री गुरु नानक के मरदाने पकड़ के राजे के कोल पेश कर दिया गया और गुरु नानक देव जी के हाथ च मुठियां दे विच उस मैदान के जिहड़े चीकने रोड से वो कट्ठे किए मरदाने के हाथ च। की कर रहे हो महाराज? कुछ नहीं कर रहे, असि तो आ हीरे कट्ठे कर रहे थे। हीरे किहड़े हीरे? आ देखो आ हीरे है साढ़े को, असि तो हीरे कट्ठे कर, ये हीरे है, ये तो रोड है। नहीं महाराज ये हीरे है। गुरु नानक देव जी कह लगे राजन ये हीरे है, करोगे इन्हों महाराज इन्हों की करोगे तुम? ये महाराज असि लैके जावे जिथे जावे ना जो अस मरे तो अस लैके जाएंगे नाल। तो महाराज वो राजा कह लग्या महाराज भी नाल तो कुछ जाना नहीं गा, क्यों नाल क्यों नहीं जाना गा, सब कुछ चलेगा। नहीं महाराज जोड़ा बंदा मर जाता है वह खाली हथी जाता है, पक्की गल है। राजे साहब श्री गुरु नानक देव जी हूँ उसको पक्का करने वास्ते इस गल के उत्ते पक्की गल है। हाँ महाराज जिहड़ा बंदा मर जाता है उसका सारा कुछ इत्थे ही पिया रह जाता है, तुहाडे आ रोड इत्थे ही पए रह जाने हैं, ये रोड नहीं है हीरे नहीं है रोड आए हैं। कहिंदे नहीं राजे मैं तैनूं ये दे दिंदा है, ये हीरे मेरे नाल लई तू। हुण राजे नूं पक्का कर रहे साहब श्री गुरु नानक देव जी मेरे हीरे नाल लै जी, जो मैं उत्थे आऊँगा ना स्वर्ग के विच उदों तेरे तो मैं ये हीरे लै लूँगा। नहीं महाराज मैं नहीं ये ले जा सकता गा, ये तो इत्थे ही रह जाने हैं। पक्की गल है राजे हुण राजे नूं पक्की करी जांदा वारी वारी गुरु नानक देव जी उस तो हवाई जांदे भी इत्थे ही रह जाना सारा कुछ इत्थे ही रह जाना। तो अखीर फिर गुरु नानक देव जी ने चोट मारी कहिंदे राजे ने जिहड़ियां तू कपड़ा पट पट के 40 गंज माया कट्ठी कीती है उहदा की करेगा, वह तेरे नाल कदों जाऊगी? और राजे दे होश उठ गए, हैं हैं कहिंदा हैं वह राजे नूं कदों जाएगी तेरे नाल, वह इत्थे पई रह जाणी है ते तू लोकां नूं दुखी कीता है तंग कीता है तू कपड़ा पट्टियां है, ये कित्थों दा न्याय है? साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जद
जो कड़कवी आवाज के गल की ना तो राजे के होश हो गए। राजा हैरान हो गया है कि मैनू तो अज तक इस गल का ही नहीं पता सी। पता भी सी पर मैं कभी सोचा ही नहीं। अच्छे फकीर ने आके मैंने समझा दिता कि जे तू नहीं लिजा मैं नहीं लिजा सकता तो तू किमें ले जाएगी। रोड तो ही नाल नहीं जाने तो मेरे हीरे भी नाल नहीं जाने मेरे रबीए भी नाल नहीं जाने। बड़ा आश्चर्य होया राजा हैरान हो गया। फिर महाराज करो कृपा कोई चलो जो गलती होगी हूँ मैं बख्शो और इसका कोई इलाज दसो मैनू भी किस तरह मैं पाप तो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने समझाया भी ये जिहड़े तेरे अंदर पंज चोर बैठे हुए हैं ना इन्होंने तैनू गलत रस्ते पा दिता है। तू इन्हों वरज अपने मन में सच दे पल्ले बन अपने मन में सच दे रस्ते ते चला लोगों का भला कर जनता का सुख बना दुख कलेश खत्म करके जनता सुख दे फिर तेरा भला होएगा। फिर महाराज की करिए हूँ तुम दस रहे हो राजा नीमा हो गया उतर के ब्रह्म को पैरी पै गया। महाराज सच्चे पातशाह करो कृपा कहन लग्या भी राजा साहिब श्री गुरु नानक देव जी हूँ समर्थ बख्श दे असू ये जी 40 गंज माया तू कट्ठी की है ना लोगों तंग करके ये माया उन्होंने ही वंट दे जा तेरा कल्याण हो जाऊगा और मन तो सुचा कर्म करिए दे तो पाप कर्म तो पंच दूतों तो काम क्रोध लोभ मोह ये कर्म जो तू किया लोभ और हंकार दे विच किया हुण इस नूं छड के दया भावना करके संसार के लोगों नूं तेरे देश के लोगों नूं यह माया वंट दे। और राजा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा कहा सी वह मन के वह माया वंड दिती। हुण बगदाद दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी कई दिन रहे ते एक दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मुसलमान संप्रदाय के लोग जिहड़े है एक अजान लगाउंदे है उस अजान टाइम की सत श्री अकाल जिहड़ी है साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बोली गुरपुर अकाल सारे लोग हैरान हो गए भी आ नवी जी अजान है अजान तो रोज सुनते हैं आप काली की यह नवी अजान कितनों आई है। लोग अपने घर तो निकल के बाहर आए वेख्या एक दरखत के थले बाबा मरदाना ते बाबा नानक जी बैठे और लोगों को पता लग गया भी अजान इन्होंने लगे लोगों ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी को पत्थर मारने वास्ते हथां च पत्थर चक ले और मारने वास्ते अगे वधे पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी गैबी शक्ति मुताबक उन्हां लोगों को ऐसा रोकिया कि जिथे वो खड़े से उत्थे दे उत्थे खड़े रह गए। अखीर पत्थर सिटे तो फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पैर पए पर यह कह लगे भी ये जी अजान जी तुसी लाई है ये तुसी क्यों लाई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के दोष ला दिता कि साड़ी अजान जी है तुसी साड़ी नकल कर रहे हो तुसी सानू चिरा रहे हो इस करके तुहाडे ते दोष है। हुण राजा भी पहला साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं मिल चुके सी राजे नूं भी बुलाया गया काजे नूं भी बुलाया गया दोनों ने आस दरबार लगाया और साहिब श्री गुरु नानक देव जी को कहन लगे भी तू दोषी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहन लगे भी मैं तो उस अकाल पुरख का उस अल्लाह का उस खुदा का अदब किया है मैं कोई गलत किसी की अंजाम नहीं लाई किसी की नकल नहीं की नहीं तू गुरपुर अकाल जिहड़ा किया है ये साड़ी नकल है। हुण राजन गल्लां गल्लां दे विच कहन लगे भी हे महाराज अगर तू मेरी गल नूं सही दस के मेरा जी टिका देगा मेरा विश्वास हो जाए कि तू वाकया ही परमात्मा का प्यारा है तो मैं फिर तेनों वापस इस दोष तो मुक्त कर देगा।
काजी भी कहने, काजी भी बैठा सी, काजी तो काजी ते राजे ने दरबार लगाया हुआ सीगा और साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं कहन लगे वी ये दसो भी इस सृष्टि तो पहला भी कुछ से वो परमात्मा किते है, जे है तो दिसदा क्यों नहीं। दूजा ये दसो भी वह परम पिता परमात्मा की करना है। ये तीन सवालों का अगर तुसी मैनु विश्वास सही दवा दोगे तो मैं तुहानू मुक्त कर दूंगा। काजी दस्तगीर भी कहन लग्या ठीक है, न्याय है साडे धर्म के मुकाबले, अगर तू सानू विश्वास दिला देगा कि खुदा है और तू खुदा का प्यारा है तो फिर। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहन लगे भाई साडा एक वक्खरा तरीका है, समझा दें तो असं जवाब दे दें। जिमें पंडितों समझाने वास्ते हर द्वार के सूरज में पानी सीटी जाते पंडित, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी आप पंजाब वालों पानी सीटना शुरू कर दिता और पंडितों समझाया भाई जे ये थोड़ा सूरज के उत्ते पानी नहीं जाएगा है तो फिर मेरा पंजाब च नहीं जाएगा तो सूरज च किवें जाएगा। पंडित कहन लगे असं सूरज में पानी दें अपने पितरां नूं वर्ग दें तो तू की करता, कहता मैं पंजाब च अपनी खेतियां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कह लगे तो मैं उन्होंने खेतियों को पानी दिना, कहते भी तेरा पानी पंजाब तक किवें जाएगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का एक वक्खरा तरीका से लोगों को समझाने का, वह कह लगे भी जे मेरा पानी पंजाब नहीं जाएगा तो तुहाडा पानी सूरत से किवें पहुँच जाएगा, तुहाडे पुत्रां नूं किवें पहुँच जाएगा, वह भी नहीं पहुँचेगा। कहते भी पंडित कहते भी वास्तव सही है, सही गल है। और इस करके गुरु नानक देव जी नूं जिथे वो मारन पए से उत्थे चलने पे साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने। इस तरह कालू बादशाह ने दरबार लगाया और दस्तगीर काजी जिहड़ा है नाल बैठा है न्याय करन वास्ते, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी थले खड़े उसका जवाब देने वास्ते तैयार है। कह लगे भी इस संसार तो पहला खुदा तो पहला भी कुछ है, कहते भी हाँ है, कहते भी इस तरह करो भी दस दिना मैं, पर तुसी एक थाली दे विच मोती पा के लिया, मोतियां दी भर के थाली लै आंदी। राजे नूं कहन लगे भी इन्हां नूं गिण। हुण राजा गिणदा कहिंदा एक दो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहते राजा गलत गिण रहा है, सही गिण। हुण राजा फिर गिण लग्या एक दो तीन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहते राजा गलत गिणी जाना है, किवें महाराज गलत किवें है। कहते भी ये एक दो की गिनती तो पहला भी कुछ है, ये संसार बाद च बनिया उस तो पहला भी कुछ सी। कहते कि कहते भी गिनती शुरू कर, गिनती कितों शुरू होती है एक दो। राजा फिर कहते नहीं महाराज, राजा साहब कहता गिनती शुरू करो जीरो शून्य। फिर एक फिर दो। इस संसार तो पहला परमात्मा तो भी पहला एक शून्य से, पर परमात्मा दिस नहीं रहा से, शून्य दे विच परमात्मा विराजमान से। संसार दे विच आके वो साक्षात हो गया, दिसन लग गया, सतगुरु दा रूप धार लिया के एक दी गिनती चल रही उही परमात्मा। उस तो पहला वो शून्य दी गिनती दे विच से। राजन तेरे सवाल का सही जवाब यह है कि इस संसार तो पहला परमात्मा तो भी पहला शून्य से, और शून्य के परमात्मा प्राप्त हो। ठीक है, राजा मन गया, कहना महाराज फिर दिसदा क्यों नहीं, कहीं परमात्मा है तो। कहते महाराज
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਹੋਣੇ, ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਗ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ, ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ 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 ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋ। ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਘਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੁਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਘਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੀਏ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੇ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ,
जिसते परमात्मा की कृपा हो जाए उस आसन बख्श देता है और राजा बना देता है। परमात्मा यही कुछ करता जिन्हें तेरे नाल कीता, तो बाद तू ये आसन का काबिल नहीं है। राजा बड़ा शर्मशार हो गया, गुरु के चरणों च पै गया, माफिया मंगिया, मां महाराज कृपा करो बख्शो बख्शो। तो इस तरह के नाल साहब जी गुरु नानक देव जी बगदाद दे विच रहे काफ़ी चिर। मैं मोटे जे तौर पर तुहानूं गल फिर दस दिया कि एक दिन साहब श्री गुरु नानक देव जी एक नदी के किनारे बगदाद दे विच इशनान कर रहे थे। इशनान करते करते साहब श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहब पढ़ रहे थे और टोक आई लख पाताला पताल लख अरासा अरास। हुण पीर दस्तगुर दे दस्तगीर दे लड़के ने ये सुन ले, हुण पीर दस्तगीर का लड़का जिहड़ा है वो ये जदों बाणी सुनी ना तो वो पच नहीं रही, कहते भी ये पीर जिहड़ा है ना हिंदू पीर जिहड़ा है झूठ बोल रहा है। लख पताला पताल लख वासा दास लख पताल लख दास, कहते भी ये कदे नहीं हो सकता। साढ़े तरह हजरत मुहम्मद ने 14 तबक दसे हुए हैं, सत आकाश सत पताल, तो ये 14 है तो ये कहते लख है। आके पीर साहब दस्तगीर नूं गल कीती भी वह हिंदू पीर जिहड़ा है वो इशनान कर रहा है, मैं भी उत्थों दी टप्पिया तो वह कही जाता से बाणी पढ़ी जाता से लख पता लख पताल लख दस आकाश और कोट को भाग तक वेद कहने के बाद सह स्थारा करके बस पिता लेखा हो लिखे लेखे हो विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाना आ है। पीर साहब लख पताल पताल कदे हो सकते हैं? पीर साहब कहने कहते ही अपने भी कुरान साहब के 14 तबक दसे हुए हैं महाराज। पीर साहब पीर साहब ने कहा भी जाओ गुरु नानक देव जी को बुला के लिया, बुला लिया गया गुरु नानक देव जी। क्यों हिंदू पीर तू ये गल कहना कि लख पताल पताल लख दस दस? हाँ महाराज दसवीर जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। महाराज ये किवें हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, साढ़े धर्म के 14 तब दसे गए नहीं। महाराज तुम 14 देखे है, तुम 14 कह रहे हो, तुहाड़े गुरु पीर ने 14 तबक देखे है, उन्होंने 14 देख के 14 कह दिता और मेरे गुरु पीर ने मैनू लख पताल लख दस दिखाए है तो इस करके मैं लख कह रहे। तो दस्तगीर कह लगे भी तू दिखा सकता हिंदू पीर? गुरु नानक देव जी कह लगे भी तू दिखा सकता है? कहते हाँ चलो मेरे नाल। और साहब श्री गुरु नानक देव जी कहते भी चलो मेरे नाल, मैं तुम्हें लख धरतियाँ लख पताल लख दस दिखा दे। कहते पीर दस्तगीर जी कह लगे भी मेरी तो उम्र बहुत वड्डी हो गई है हिंदू पीर जी, तुसी की करो मेरे लड़के नूं नाल लै जाओ, मैं तो नहीं जा सकता। पर साहब श्री गुरु नानक देव जी कह लगे भी तुसी नहीं जा सकते, तुसी किसी होर नूं भेज दिओ जिहड़ा तुहानूं आ के ये दस देवे वास्तव दे विच मैं 100 धरतियां 100 पताल लख आकाश लख पताल देखे। हुण आश्चर्य दी गल है कि जदों दस्तगीर ने यह कहा भी मेरे मुंडे नूं नाल लै जाओ और साहब श्री गुरु नानक देव जी ने लख पताला पताल लख दासां दास तुक नूं साबित करन वास्ते दस्तगीर दे मुंडे नूं नाल लै के उपर आकाश दे विच उडारी मारी है। देखो एक गल मैं होर कहना, अज संसार दे लोक साइंस बहुत वध गई है बहुत तरक्की कीती है पर साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने अज तो 550 साल पहला कह दिता सी कि लख आकाशा आकाश लख पताला पताल लख पताला पताल लख आकाश आकाश लख आकाश लख पताल। हुण
अज की सैंस जी है वो चंद्रमा की खोज करती है, असं चंद्रमा पर जाना है जी, उत्थे देखना है भी लोग वसते है कि नहीं वसते, असं मंगल ग्रह से देखना उत्थे लोग वसते है कि नहीं वसते, उत्थे पानी है कि नहीं है, होर ग्रहों की भाल करते फिरते हैं, बड़े वे वे खर्चे करके सैंस के चंद पर रॉकेट वगैरह यान वगैरह भेज के मतलब खोजा कर रहे हैं, पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह कहा ही नहीं 550 साल पहला कि लख पताला पताल लख असां दास, बल्कि साबित करके दिखा दिता दस्तगीर पीर दे मुंडे नाल लेके जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी ये आकाशां दे विच धरतियां दी पतालां दी खोज दे विच गए है, ते जिथे जिथे गए उथे उथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी की संगत मिली। की कह रहे हैं मैं भी जिस ग्रह ते गए, जिस स्थान ते गए, जिस आकाश ते गए, जिस पताल ते गए, उथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी की संगत दे मनुख जिहड़े सी ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਚਕੌਲ ਭਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਚਕੌਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਚਕੌਲ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ, ਤਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੰਜ ਕਬੂਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕੂੰ ਗੁਟਕੂੰ ਕਰਦੇ, ਗੁਟਰ ਗੁਟ ਕਰ ਚੋਗਾ ਮੰਗਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾ ਡਰਦੇ, ਗੁਟਰ ਗੁਟਰ ਕਰ ਚੋਗਾ ਮੰਗਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾ ਡਰਦੇ, ਪਲ ਪਲ ਪੰਦਰੇ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈ।
दे पुरवे करी इलाजे नंदा नाम सिमर ए मर दे तू नाम सिमर ए मर दे मन ठार ल बंदे इनानू मार ल बंदे मन ठार ल बंदे इनानू मार ल बंदे। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू रस्ता दसा जम तो बचन की मन ठार ल बंदे इनानू मार ल बंदे जम जवा जम 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 जवा जम जम वैगुरु 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 जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु बंदे रे हो बंदे रे। अगे सतगुरु बख्शिश करते हैं अमन अमर अमर मतलब अमृत साढ़े अंदर एक अमृत है उसनों ये लुटी जाते हैं पर साड़ा मन जोड़ा साड़ी रूह जी है जिसका ये हिस्सा है उस अमृत में ये पांच चोर जोड़े खाई जाते हैं वरना ये जिस ये हट जा तो साड़ा रूह जी है वो अमृत प्राप्त करके अमर हो सकता है। की लिखा है अमृत रेनू पंजा लुटिया गाफल चंद्रा सोया पापा दा ए बंद बेड़ला सिरे अपने ते टोया पापा दा ए बंद बेड़ला सिरे अपने ते टोया नाम सिमर के माज तू पांडा ये पांडा बड़ा खराब होया फिर इन्हें लुका ने खराब किया जे नाम सिमर के साफ कर लिया जाए वाहगुरु 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 कोई कोई वाहगुरु जे इनू नाम सिमर के इस भांडे नू साफ कर लिया जाए ना तो फिर ये ऐसी रोशनी दिंदा ऐसी चमक दिंदा जिन्नी नाम के आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उज्जले फिर ये भांडा जिहड़ा उज्जल हो जाता चमका मारन लग जाता। की लिखा नाम सिमर के माज तू पांडा नाम सिमर के माज तू पूर्वे चमके नेवरा जम जमा जम 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 जमा जम जम वैगुरु 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 जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु बंदे रे बंदे रे। मन ही तैनू नलकी सुटना सारी खेड़ मन दी है मन ही रूह है मन ती तैनू नलकी सुटना मन ही भाव तो तारे नाम गुरु तो लैके सिमरो मर जाने हो सारे नाम गुरु तो लैके सिमरो मर जाने सारे नाम ही दारू मर्ज दपुरवे नाम ही दारू मर्ज दपुरवे रहे न कोई गम रहे न कोई गम जम जमा जम 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 जमा जम 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 जमा जम 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 जमा जम जम वैगुरु 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 जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु जप नाम वैगुरु बंदे रे बंदे रे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने नौ खंड पृथ्वी दे विच ए सिद्धांत नूं परपक कराया इस मन इस रूह
और जिस दे सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक देव प्रगट होना, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म नहीं होया, प्रगट होया भाई गुरदास जी गल करते हैं। हाँ, भुलेखा संसार के लोगों को तृप्ता की कुख तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, नहीं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा का स्वरूप, निरंकार का स्वरूप, हर जोत रूप आप गुरु नानक कहाया, निरनानक निरंकारी के रूप के इस संसार के आके साडे रूहां नूं तारन वास्ते एक सच का नाम का रस्ता, सच की जुगत, एक प्रसाद जो परमात्मा को गुरु नानक देव जी नूं मिलिया सी, वह प्रसाद सानूं बख्श दिता और जिस दे सदका अज साडियां रूहां जिहड़ियां है ओह इस संसार के दुखां कलेशां तों बच के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की शरण हो के पाप सागर नूं पार करदियां होईयां उस परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्श दारे करे। ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी की सारे संसार के उत्ते एक रहमत है, एक बख्शिश है कि जो सरल और सादा रस्ता सच का जरा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू बख्शिया है, वह अज तक किसी होर ने नहीं बख्शिया। इस करके असी वारे जाने हाँ साहिब श्री गुरु नानक के उस दिया दस रूपां दे, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक जिन्होंने साडे इस समाज में बहुत अमीर कर दिता, बहुत धनवान कर दिता, बहुत सन्मान वाला कर दिता। अज सिख जिथे करता हो भी उस सत्कार देखा जाता, सत्कार प्यार देखा जाता, प्यार बुलाया जाता है और नमस्कार कीतियां जांदियां। ये गुरु नानक की ही बख्शिश है, ये गुरु नानक का सिख जो गुरु नानक के रस्ते पर चलता है उदो वह परम पिता परमात्मा का स्वरूप, गुरु नानक का स्वरूप आप हो जाता है, गुरु से सिख एक हो जाते हैं, सिख और गुरु एक हो जाते हैं। तो सत्संग जी इन विचार करता है दास क्षमा का जाचक है, सतगुरु नानक प्रगटिया मेरी धुन चक चानन होवा, तारे छपे अंधेर पलोवा, सो ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। तो सत्संग जी ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी का एक रहमत है, एक साढ़े ते एहसान है संसार के लोगों पर कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी जे ना आते, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जे ना आते तो शायद ये संसार का रस्ता कुछ होर होंदा, शायद ये संसार दा नुहार जिहड़ी है, संसार की दिख जिहड़ी है, संसार का चलन जिहड़ा कुछ होर होना, पर अज सतगुरु के चरणों च लग के सिख समाज के रूप के प्रफुल्लित होकर परम पिता परमात्मा दर्शदारे करता होया वडियाई साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बख्श गया है। तो इन्हीं विचारां करते हुए सत्संग जी दास क्षमा का जाचक है, विचारां दे विच कोई भुला हो दास क्षमा मंगता है, साध संगत को बेनती है कि क्षमा कर लेना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।